सो पंजाब सरकार दे वलों जिथे वख-वख विभागां दे विच लगातार काम किए जा रहे ने उत्थे ही पंजाब सरकार ते नालों नाल विरोधी तरह सवाल भी चुक रही ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वलों बुधवार नूं बंद करवाए गए टोल प्लाजा दे खर्चे दे उत्ते कांग्रेस ने सवाल खड़े किए ने। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने चंडीगढ़ दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिआं दावा किया है कि सरकार ने एक टोल प्लाजा बंद करन ते 50 लख रुपये का प्रचार किया है। ते सरकार दे दावे मुताबिक कहिंदे इन्हां ने सूबे दे विच 10 टोल प्लाजा हुण तक बंद कर दित्ते ने, तां इस हिसाब नाल मान सरकार ने 10 टोल प्लाजिआं नूं बंद करन दे प्रचार ते ही कहिंदे 5 करोड़ रुपये खर्च कर दित्ते ने। दावा कीता है राजा वड़िंग ने, उन्हां कहा कि कांग्रेस दी सरकार वेले एक वी टोल प्लाजा नवां नहीं लग्गिआ सी ते ना ही किसी दी म्याद वधाई गई सी। उन्हां दावा कीता कि सरकार कांग्रेस पार्टी तो डर रही है क्योंकि असीं मुख विरोधी धिर हां ते साडे लीडरां नूं डराउण दी कोशिश कीती जा रही है। राजा वड़िंग ने खुलासा किया कि भगवंत मान सरकार सूबे दे विच 3 होर नवें टोल प्लाजा लाउण जा रही है। कहिंदे इह सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है कि सरकार टोल प्लाजे बंद कर रही है। टोल प्लाजे सिर्फ वह बंद हो रहे हैं जिन्हां दी म्याद पुग गई सी। हुण कहिंदे सरकार तलवंडी भाई रोड, फिरोजपुर मलोट रोड, ताखा चौंकी मान रोड ते 3 नवें टोल लिया रही है ते इस बारे भी कहिंदे पंजाब सरकार लोकां नूं दसे, जनता नूं दसे कि असीं भी नवें टोल ला रहे हां। जीरी मनियाद खत्म हो चुकी सी, उह साडी सरकार वेले दा टोल प्लाजा नहीं सीगा। भाई साहब मैं बेनती करनी चाहुंदा कि उह साडी सरकार वेले दा, मैं तुहानूं अज वी कह रहा वी साडी सरकार ने एक वी टोल प्लाजे नूं मंजूरी नहीं दित्ती। देखो गल ये है, मैं कह रहा कि पंजाब स्टेट सरकार साड़ी सरकार ने आपकी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कोई भी टोल प्लाजा जेड़ा है आपके समय च नहीं लाया। हाँ 3 नवे उन्होंने बंद करा दें, उन्होंने बंद करा सकते हैं मुख्यमंत्री का करोन क्यों नवे लोगों के बोझ पाया जा रहा है। वो तीन है तलवंडी भाई लगा हुआ है पिंड मिश्री वाला के पास, फिरोजपुर लगा है मलोट रोड, फिरोजपुर तो मलोट रोड पे लग रहा है, हबोर तो गंगानगर रोड पे लग रहा है। 23 लगे है हुण, नैशनल है जां स्टेट है ये तो मैं थोनू कह दा भी साडी सरकार वेले नहीं लग्या। हाँ जी ये मैनू जनाब ये नहीं पता भी ये स्टेट है कि नैशनल है, लेकिन लेकिन कोई भी टोल प्लाजा लगन तो अज मान साहब ने कहा भी सर मैं पंजाब की जनता से किसी प्रकार का बोझ नहीं पैन देंगे, फिर इन्हें बंद करो। जे नैशनल भी ला रही है, जे नैशनल भी ला रही है सो ही शुड राइट डाउन टू नैशनल। वैसे तो टोल प्लाजा अमेरिका च भी लगे है, वैसे तो टोल प्लाजा कनेडा च भी लगे है। ये तो मान सरकार ने कहा कि यह टोल प्लाजा इन्होंने पैसे ले लैके एक्सटेंशन देंदे रहे, इस करके मैं बंद करते। हालांकि उन्होंने मनियाद खत्म हो गई, 15 महीने पहला बंद कर दिया, फिर गल सी जी। जी साहब अज सुनील जाखड़ ने भी क्लियर करता कि साडा कोई अकाली नाल असी कोई अलायंस नहीं कर रहे। सुखबीर सिंह बादल साहब ने भी यह कहता कि असी कोई अलायंस नहीं करेंगे, तुहाडा की कहना क्योंकि तुसी हमेशा कहते रहे कि इकट्ठी है पार्टी। देखो अज भी मैं कह रहा हां, अज भी मैं कह रहा हां कि अलायंस इन्हां दा तय हो गया है, अनाउंसमेंट होनी बाकी है। कल सुनील कुमार जाखड़ जी का यह बयान से कि इहदे उत्ते हाईकमांड ने विचार करना है। अज उन्होंने ये गल कहती होनी है क्योंकि हो सकता है नैगोशिएट ना हो रहा हो सकता है बीजेपी वाले हजे विधानसभा की गल कर रहे, पार्लीमेंट वाली गल हो चुकी है क्योंकि अकाली दल मेरा ख्याल सुनिया सीगा भी वध सीटा मंगदा लेकिन विधानसभा च, लेकिन बीजेपी नूं इस गल ते सहमति नहीं है। वह कहते भी अद अद की लड़ाई लड़ांगे विधानसभा दे विच भी, पर 100% इन्हां दा समझौता ऑलरेडी है। 9 मास का रिश्ता थोड़े सामने राजनाथ सिंह जी ने आके इत्थे बादल साहब दे जिहड़ियां गल्लां कीतियां और उन्होंने भी कहा कि 9 मास का इन्हां दा साडा रिश्ता रहा है। और जिस प्रकार का दिल्ली दे अंदर भी हुण भी तुसीं देखिया होना है, मैडम हरसिमरत कौर जी जिस मकान दे विच रहिंदे वो जिहड़ा बैंगलो है वो भी अठ कैटागरी है, जाने की कैबिनेट रैंक का बैंगलो एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट को ले है, अदरवाइज तो राहुल गांधी तो भी कम घर छड़ा लिया गया। सो तुसी देखा होना कि इन्होंने राष्ट्रपति की वोट भी
जो पैन का मौका आया तो ये इन्होंने एनडीए के हक च ही खड़े हुए। सो ऑलमोस्ट तय है, लेकिन रस्मी ऐलान कई मजबूरियां हैं, मजबूरियां ये ने पंजाब का किसानी अंदोलन, पंजाब का किसान वेख रहे हैं कि इन्होंने अस्तीफा दिता सी। पंजाब के लोग तो पहले कहते रले है, जान बुझ के अस्तीफा दिता है। बंदी सिखा का मामला हजे उठे का उठे खड़ा है, जिहड़ी ये मांग करते जिहड़े बादल साहब ने उत्थे गीत भी गा के आए सी जंतर मंत्र ते, भी इन्हां मुद्दियां दा की करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ते भी दजीत सीमा ते अकाल तख्त साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने कुछ होर कहा है, ये सारिया चीज़ां हैगियां, लेकिन